नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और कप्तान केएल राहुल की एलिमिनेटर मैच के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेंटोर और कप्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मैच में एलिमिनेटर में लखनऊ को 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस हार से मेंटोर गौतम गंभीर काफी निराश नजर आए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान गंभीर का रिएक्शन चर्चा में रहा। वैसे ही कुछ यहां भी देखने को मिला। वहीं लखनऊ की हार का सबसे बड़ा कारण टीम की खराब फील्डिंग रही। कहने को तो पूरे आरसीबी की पारी के दौरान लखनऊ ने कुल 4 कैच ड्रॉप किए, लेकिन 15वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने दिनेश कार्तिक का कैच ड्रॉप किया तो गौतम गंभीर उन पर भड़क गए। दरअसल राहुल ने जैसे ही गेंद पकड़ी वैसे ही डग आउट में बैठे टीम के मेंटोर गौतम गंभीर खुशी से झूम उठे, लेकिन जैसे ही राहुल के हाथों से गेंद निकली गंभीर झल्ला उठे और अपना सिर पकड़कर गुस्से में बैठ गए। इसी तरह से मैच हारने के बाद गंभीर ने केएल राहुल को फटकार लगा दी। गंभीर का यह रवैया किसी को पसंद नहीं आया। जैसे एक यूजर ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, डियर गौतम गंभीर, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम हिम, लीव केएल राहुल अलोन एंड फैसिलेट हिम विद गिफ्ट्स एंड ऑल, ही इज आवर प्राउड फ्यूचर लेजेंड। एक अन्य यूजर ने भी इस पर कहा कि शायद गंभीर राहुल को धीमी बल्लेबाजी के लिए डांट रहे हैं। यूजर ने दोनों की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, और कितना डीप लेके जाना है मैच तुमको, 22 ओवर तक। एक और यूजर ने भी इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि गजब बेइज्जती की गई है। तो कुछ इस तरह से लोग गौतम गंभीर और केएल राहुल की इस फोटो पर रिएक्शन दे रहे हैं और गंभीर को नसीहत भी दे रहे हैं। मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हराकर आईपीएल 2022 के क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मुकाबला गवा बैठी। फिलहाल जिस तरह से हार के बाद मेंटोर गंभीर का पारा हाई हुआ और कप्तान केएल राहुल को ही उन्होंने फटकार लगा दी, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।